नमस्कार सत श्रीकाल सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू पॉकेट गेमर में। और आप देख रहे हो ड्रैगन बॉल सी कैकरॉट। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना ये एपिक एडवेंचर। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी वेरी मच मगरमच्छ आप लोगों का, कि आप लोगों ने अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट दिखाया पिछले वीडियो में, जो कि मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल था। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसके एपिसोड्स रिकॉर्ड करूँगा और डेली पोस्ट करूँगा। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने स्टोरी जो है वो आगे बढ़ाई और आपको पता ही है क्या हुआ। तो रेटिस जो है वो हमारे बच्चे को, छोटा मुन्ना, नन्हा मुन्ना गोहान जो है, उसको किडनैप करके ले गया है। तो हमें उससे छुड़वाना है उससे। रेटिस, अगर आपको नहीं पता तो मेरा भाई है, बड़ा भाई, कमीना निकला मुझे। हमारे खानदान में ऐसे बच्चे पैदा होने ही नहीं चाहिए। ओके ओके। तो ये लोग का बकबक जो है ना वो बंद हो गया। तो अभी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अपना कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी बोर्ड जो है उसमें अगर एक मिनट खुल जाए, अगर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है यार। तो गिफ्ट अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मुझे, मेरे पास दो मार्शल आर्ट्स की बुक है जो मैं गिफ्ट कर सकता हूँ। गोहान को गिफ्ट करना है या पता नहीं क्या है। एक और अपन वो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइटर जी फाइटर्स वाला टैप का। और मेरे ख्याल से कुछ है क्या, ब्रोंज कंपास, फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, एडल्ट प्रोफिशिएंसी और कुकिंग। तो ये सब हमें कुकिंग और वो सब में यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर R1 दबाऊँ और गिफ्ट कर सकता हूँ मैं चीची वाले, इसमें सिल्क एप्रन जो है गिफ्ट कर देता हूँ अपनी प्यारी प्यारी चिची को। गोहान यहाँ क्या कर रहा है चीची गोहान? अच्छा ओके नाइस। ये बुक ऑफ ग्रोन अप जो है वो हमें देना पड़ेगा अपने इसको, क्योंकि ये एडल्ट चीज़ें बहुत संभाल के रखता है लड़का, मतलब बुढ़ा। ओके तो लेवल 6 हो गया क्या? आप आते भाई, तुम ही तरक्की कर रहे हो मास्टर रोशी। मास्टर रोशी जिसको हो जाए बेहोशी। ब्रोंज कंपास जो है उसके लिए हमें कुछ और मिला नहीं है, तो कोई नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मेन चीज़ हमें जाना है लुका विलेज। लुका विलेज के लिए मुझे वर्ल्ड मैप खोलना पड़ेगा, और वर्ल्ड मैप में आप रेड पिलर्स और ब्लू पिलर्स देख सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव और साइड ऑब्जेक्टिव्स को, और टी मेडल्स जो है जो ट्रेनिंग में काम आता है वो आप देख सकते हो। तो हमें यहाँ पर पहुँचना है इस रिवीड एरिया में लुका विलेज के। तो यहाँ पे जो रेडिश है उसने हमारे बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को किडनैप किया है। तो अभी मैं एक चीज़ सोच रहा था, क्या हम लोगों का जो लेवल है वो सफिशेंट है क्या? मैं अपने कैरेक्टर को भी एक बार देख लेता हूँ और फिर उसके बाद अपन करेंगे कुछ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। ये लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है नॉर्मल PS4 पे। मेरे ख्याल से अगर आपके पास PS4 प्रो है तो ये प्रॉपर फटाफट लोड होता होगा मेरा। और मेरा PS4 जो है काफ़ी पुराना भी हो चुका है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। ओके यू कैन फ्लाई ओके। अच्छा डिसमाउंट भी कर सकते तो अच्छी बात है। और मेरे पास और कुछ बिग वर्ल्ड अपडेटेड, इट्स अ बिग वर्ल्ड अपडेटेड। ओके इफ यू आर लुकिंग फॉर बीस्ट मीट देन लुक नो फर्दर देन द एनिमल्स हियर। ओके squeeze his tail he should be vulnerable that's what happened whenever mine got grabbed how are we supposed to grab his tail oh kaha hai bhai oh mere paas d emblem ho gayi aur ye jo udne ka tarika hai na ye bahut irritating hai this thing's giving off a lot of energy okay to main ha main ab check karne wala tha apna character jo hai goku singh patel ko। तो गोकू को, गोकू का अगर स्किल ट्री देखेंगे अपन, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉक पेपर सीजर है, लीव्स एनिमी ऑर्नामेंट टू कनेक्ट्स। ओके अच्छी बात है। इसको करने के लिए हमें 400 की और ज़रूरत है।
एक मिनट, पिकलो को भी देख लेते हैं। पिकलो का क्या सीन है भाई तेरा? सुपर अटैक इसका एक मिनट देखते हैं। कैरेक्टर पैलेट, सॉरी अटैक पैलेट क्या है इसका? यहाँ पे कुछ खाली है ऐसा, इसके पास है ही नहीं क्या? गरीब आदमी। एक्सप्लोसिव वेव और ये सब है। नो हाउ, हाँ इसके पास कुछ नहीं है यार, ये तो बहुत ही अनपढ़ है। तो लेवल 1 का है ये, और अपना गोकू लेवल 3 का है। लेवल 3 पे अपन मार पाएंगे क्या उसको? आई डाउट, बट लेट्स होप। ओके यहाँ पे एक मिनट डिसमाउंट कर देता हूँ मैं। ओके मैं सीख रहा हूँ। ओह अटक गया। ईटिंग फूड डिशेज, अच्छा परमानेंटली स्टैट बूस्ट मिलता है अपने को, वो कम्युनिटी से भी मिलता है, अच्छी बात है। तो बॉइल्ड एग खाते हैं अपन। यस, कैरेक्टर हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर। वो डायरेक्ट घुसा दिया मुझे फाइट के अंदर, इसीलिए मुझे फिश खाने बोला। तो चीची ने हमारे लिए मस्त मस्त बॉइल्ड एग बना के रखा था। वर्सेस थारा पप्पा 710। गोहन का 710 रहता ना। हाँ ओके, another reading and it's heading straight for me. There's one. No, there's two. With power levels 322 and 334. तो ये गोकू और पिकलो जो है उसका पावर लेवल गोहान से कम है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो गोहान जो है ना थोड़ा हाइब्रिड है इंसान और सेंट का, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल रहता है गोकू से भी। अपने इस एज में भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। They have come. Come, come. What brings you? Isn't it obvious? I'm here to get my son back. Yes. कहाँ है मेरा प्यारा बच्चा? His screaming was giving me a headache, so I locked him up in there. But forget about the rot. Don't tell me you actually think you stand, you fool. You're not even fit to call yourself a Saiyan. Prepare to die. कहाँ का डाई भाई? ओ ना 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 ओ कॉम्बो सिंह पटेल। ओ शिट, एक मिनट सपोर्ट कर। अच्छा सपोर्ट में क्या है मेरा? एक्सप्लोसिव वेव। ओ शिट 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 शिट। ओके तो मैं पिकोलो को सपोर्ट मूव यूज कर सकता हूँ। ओ ना 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 ना, ये गंदा अटैक है भाई। तो ओ शिट, हट भी जाता है ये कमीना। नहीं ओके बच गया अपन। बहुत ही अच्छा क्रिटिकल हिट। ओ शिट यार, वो चमक रहा था करके मैं वो नहीं कर पाया। ओ नो 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 नो, दिस इज बैड गाइस। नाइस ओके, थोड़ा सा पुछ शॉट मारते हैं इसको। ओ ना 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 ओके बच गया मैं। नाइस फिनिश। ओके एस रैंक, क्या बात है। ओह मुझे कुछ लेवल अप हुआ, विच इज वेरी वेरी नाइस। बासमती राइस। इवन विद योर कंबाइंड पावर यू आर स्टिल पथेटिक। कैसा झूठा है ना साला, अभी धोया इसको। बट कंसीडरिंग यू वर्नट स्मार्ट इनफ टू हीड माय वार्निंग, डोंट डिजर्व टू लीव। ये हंसी मुझे पसंद है। यू गॉट बी किडिंग मी। यू नो व्हाट, सिंस यू आर गोइंग टू डाई एनीवे, I might as well tell you something. The two Saiyans I mentioned earlier, they're even more powerful than me. Do dega main. If you've got a new attack hidden up your sleeve, now's the time to use it, Goku. Sorry, I'm fresh out. Lucky for you, I actually came up with a new technique while I was training. साला यूज़लेस टेक्निक है इसका, काम कर जाएगा लेकिन।
just to lie down and wait for the sweet release of death. I'm just gonna need enough time to charge up the proper energy for it. Gonna need you to keep him busy while I deal with this. Got it. I'll do what I can. Hope you're ready for this. Okay, guys and boys. You just don't know when to quit. Okay, guys, so round 2 with Radish. तो मुझे थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा लग रहा है क्योंकि ये पावर्ड अप थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा मुझे ओ शिट ओ शिट शिट ये क्या मार रहा है व्हाट ओ ये क्या मार रहा है ओ शिट बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई इससे ओ शिट नहीं भाई ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है ओ बच गया ये वो मेरे पास काई नहीं है मैं थोड़ा सेफ वो बनाता हूँ डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया है अभी फुल पावर बोर्ड पे जा यस नाइस ओ शिट फिर छोड़ा उसने ओके मैं समझ गया इसको कैसे डॉच करना नाइस वो दो दो मारा नाइस थोड़ा पावर अप करना पड़ेगा हमें कम ऑन फुल ओ शिट तीन तीन फेंक रहा है ये चल बेटा ओ मेरे पास वो नहीं है ओ नो 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 मेरा गार्ड ब्रेक कर दिया उसने कम ऑन यस कनेक्ट हुआ साला उसकी हेल्थ बार कितनी ज़्यादा है यार अपनी क्यों नहीं है इतनी ओह शिट फिर से वही मार रहा है वो ओके नीचे ऊपर का ओह शिट ऊपर ये और पावरफुल वाला था इसका मूव कम ऑन यस पढ़ी उसको वो कहाँ गया व्हाट मैं ब्लॉक क्यों नहीं कर पाता यार इसमें अपनी हालत खराब है गाइस कम ऑन मुझे थोड़ा पावर अप करना पड़ेगा अपना लेकिन ये मौका तो देगा नहीं ओके पावर करने का मौका मिला ओके हो गया ओ शिट ले बेटा कम ऑन मार ओ नो 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 मेरी हालत खराब है गाइस वो मेरे गार्ड ब्रेक कर दिया उसने गया मैं कम ऑन
दो बार बचा हुआ गाइस, ये मैं हार जाऊंगा शायद। सपोर्ट के लिए कुछ है? नहीं, आइटम्स यूज नहीं करूंगा मैं। कमॉन 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 कमॉन। ओह नहीं नहीं ये मिस नहीं होना चाहिए था। बहुत ज्यादा संभल के खेल लो। ओह शिट, कम ऑन कम ऑन। यस, क्या मैं मार पाऊंगा इसे? ओह फुल पावर मोड। गाइस अपनी हालत बहुत खराब है। कम ऑन कम ऑन, पड़ जाए बस प्लीज प्लीज। यस पड़ा, डबल मारा उसने। कम ऑन यार, स्टन लॉक कर दिया मुझे इसने। ओके गाइस एंड भाई, तो हमें अटैक्स तो पता चल गया। अभी राउंड टू के लिए तैयारी करते हैं अपन, और लेट्स ट्राई दिस बैटल अगेन वन सेकेंड। ओ नहीं नहीं, शुरू में ओ शिट, काम है हमें यहाँ मिस नहीं होना चाहिए मेरा। थोड़ा मैं ये करके रखता हूँ ताकि मैं थोड़ा अपने आप को बचा के रखूँ। ओके वैनिश अटैक। ओ ये वाला, ये मुझे गंदा लगता है यार। इससे बचने के लिए मुझे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और ये बहुत ही पावर्ड अप है पता है। बहुत ज़्यादा ही पावर अप कर लिया इसने, पावर्ड अप फॉर्म में है ये। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम, मार ताकि मैं तुझे वैनिशिंग अटैक मारूं। ओह शिट, मिस हो गया मेरा कामेहामेहा। ओ नहीं, ये खाना पड़ेगा मुझे। ओके पावर अप करना पड़ेगा मुझे काई ये अपना। यस लेट्स लेट्स डू दिस रेजिस्ट। हमारा पप्पा, हमारा पप्पा क्योंकि हम दोनों भाई। ओ शिट, ये भी यूज करता है लड़का। बहुत, अरे साला जस्ट इंच से, एक इंच से उसने वो बचा। ओके यस, क्रिटिकल नहीं था ये हमें हमें, लेकिन अच्छा बेटा। बहुत बढ़िया, नो इट वॉन्ट एंड। ओके मैं समझ गया हूँ तेरी चालाकियाँ। ओ गार्ड ब्रेक कर देता है, नहीं ओ शिट, एक और गार्ड ब्रेक। ना ना ना, ये तो बहुत ही बुरा था। मेरे को कामे हामे हाथ से थोड़ा वो करना पड़ेगा। डैमेज डैमेज करते रह तू। वैनिश अटैक और एक फॉलो अप में कामे हामे आ, नाइस। वो रॉक्स पेपर सीजर नहीं पड़ा मेरा, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा था उसको। ओ शिट गार्ड ब्रेक। एक कामे हमें खा दू इसी बात में। ओ शिट, अच्छा मैं फॉलो अटैक कर सकता हूँ, फॉलो थ्रू अटैक।
ओह शिट, मुझे भी मार दिया उसने। साला मुझे मारता कैसे? नो इट वोंट एंड नाउ। तीसरा भी मारेगा ये। ओ शिट, ये नहीं करना था इसको। ओ शिट, मुझे अटैक हो रहा है। यस, फुल पावर्ड, ऑलमोस्ट गया हुआ गाइस। इसको अपन काम हम यहाँ से ख़त्म करेंगे अगर ख़त्म कर पाए तो। यस, फिनिश विथ कामे हा बे हा। ए रैंक मिला, एस रैंक नहीं मिला हमें। ओ शिट, पीछे से कुछ कर दिया उसके साथ क्या करोट ने। गोकू का दिल बहुत सॉफ्ट है, कुछ भी कहो। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, चटनी चटाया। कमीना है साला, बड़े भाई के नाम पे कलंक है। भाई गोहान की बारी। यस, ये हुई ना बात। What is this kid? पकड़ लियो फिर से कोकू ने। कैसी कैसी हरकत कर रहा है ये लोग अश्लील। तो गाइस ख़त्म कहानी, क्योंकि गोकू मर चुका है, अब आगे बढ़ेगा नहीं ये ड्रैगन बॉल, क्योंकि कैकरॉट के नाम पे सीरियल है ये, मतलब गेम है। नॉट बैड, एस और ए रैंक। व्यू डिटेल्स ओके, तो यहाँ कहाँ पे कॉम्बो पे प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो कॉम्बो और डैमेज, अच्छा डैमेज कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने, नाइस, कोई बात नहीं। साला पेट में छेद हो गया यार। गोकू तुरंत मर गया, लेकिन रैडिच अभी तक जिंदा है। ओ, नेक्स्ट करना है मुझे। Well, you just were. I can't believe that Kakarot would just throw away. भाई गोकू को समझा क्या तूने? कहानी में ट्विस्ट।
This planet is home to the Dragon Balls. हाँ बेटा तू सब बता दे उसको है ना. Grant wishes. Absolutely any wish imaginable. Even bringing someone back from the dead. Damn it. Well, my comrades will be happy to hear that. Everything you just said was transmitted to them on the other side of the universe. ऐसा क्या फोन है भाई कि पता पूरे दूसरे यूनिवर्स में भी पता सॉरी दूसरे साइड यूनिवर्स के वहां तक पहुंच जाता है. तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे पिकोलो ने होशियारी मारते हुए बोला कि भाई गोकू तो अब मरा हुआ नहीं रहेगा, उसको हम लोग ड्रैगन बॉल से ज़िंदा कर देंगे. क्योंकि होशियारी जो है ना वो अपने फ़ोन से ना ट्रांसमिट कर दिया उसने रेडिश ने अपने दो दोस्तों के पास. अरे जिंदा है कोकू, दिवाली में आएंगे भाई वापस वो लोग दिवाली मनाने के लिए. ए नहीं तो एक साल के बाद वापस आने वाले हैं सेज्स. One year before even stronger warriors arrive. You two have no hope of beating them. Enjoy what little time you have left. उसका बाल बिल्कुल हिल नहीं रहा था पता है, उसका बाल एकदम स्टिफ था जैसे आयरन से बना हुआ उसका बाल. और ड्रैगन बॉल जी में ना एक बहुत ही सही चीज़ है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी आने वाला रहता है तो हमेशा इन लोग को एक साल या तीन महीने या छः महीने का टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए और पावरफुल होने के लिए. और आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, सेंस जो होते हैं सेन रेस जो होती है वो लोग जितने बार भी गिर के मतलब कि एकदम पूरा मरते दम तक अगर वो लोग की एनर्जी ख़त्म हो गई और इतने पिटे हुए हैं वो लोग और वापस रिकवर होंगे तो उन लोग की जो पावर है वो डबल हो जाती है या मेरे ख्याल से ट्रिपल हो जाती है, पता नहीं क्या है बट ऐसा कुछ है इन लोग के साथ. एवरीथिंग अच्छा सारी चीज़ें बता दिया पिकोलो ने जो लोग आए हुए हैं हमारे लोगों को. मास्टर रोशी अश्लील आदमी. Come on, Goku. Hang in there. It's not like you to give up so easily. बाप रे कितना बड़ा छेद कर दिया उसके पेटों पे. Krillin, you know, dying is a lot worse than I thought it would be. Yeah, but don't you worry. We're gonna bring you back really soon. डायरेक्ट गायब हो गया वो. बेसिकली जो है कामी ने बुला लिया रहता उसको. कामी ने उसको टेलीपोर्ट कर लिया रहता अपने पास. Well, I guess we can put our minds at ease if Kami's involved. You guys need to get the Dragon Balls. Kami doesn't possess the power needed to bring someone back to life. Also, Goku's kid will be coming with me for the time being. What? You're kidding, right? What are you gonna do with him? With a little training and the right teacher, that kid could be capable of serious power. We're going to need all the power we can get before those two Saiyans show up in a year's time. Me training this little runt is our best shot to stand a chance. पिकलो जो है गोहन को इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि उसने देखा रहता है कि उसका जो पावर लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है और उसने रेडिश को गंदे तरीके से चोट पहुंचाई रहती है, तो इसलिए वो ट्रेन करना चाहता है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए और जब एक साल के बाद सेंस वापस आए तो वो हमें थोड़ा चांस दे उस लड़ाई में. तो साफ साफ किडनेपिंग है, चीची क्या बोलेगी मेरी प्यारी चीची के दिल पर क्या गुजरेगा, वो तो दिन भर चीची करते रहेगी. ओके स्टोरी रिवॉर्ड एक्सपी मिला 346, इतना घटिया है एक्सपी. मास्टर कोरिन प्लस अच्छा. फैंसी अर्न सिल्क एप्रन सीक्रेट टेक्स्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स को और लेवल अप कर सकते हैं हम लोग. ओ नामेक ऑन अ प्लैनेट फार फार फ्रॉम अर्थ प्लैनेट नेमेक.
आई थिंक हाँ नमक जैसा ही लग रहा है. नहीं नहीं नमक नहीं है तो कुछ और ही है. नमक भी ग्रीन था लेकिन इतना गैसियस नहीं था. नापा So they're capable of granting any wish? All right, let's go. We're gonna bring Raditz back from the dead? Don't make me laugh. We have no more use for that dead weight. Hmm. Wish for eternal youth, for immortality. Can you imagine it? Nothing could possibly stand in our way. Sounds good to me. Count me in. Count me in. Invigorated by the prospect of attaining immortality with the Dragon Balls, the two Saiyans made their way to Earth. ये चीज मुझे अच्छा लगी इस गेम में कि सेम एनिमे का जो शॉर्ट्स है वो ये लोगों ने 3D में बनाया हुआ है. तो जो सोर्स मटेरियल है उसको फॉलो कर रहे हैं ये लोग. उससे क्या होता है कि पता हो एक तरीके का नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है कि आपने पुराना देखा है फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो वही सेम चीज़. तो आपको एक फीलिंग आती है पुराने चीज़ को देखा है मैंने उसके उससे रिलेटेड. तो मुझे भी वैसी फीलिंग हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है. सीरियसली मेरा बचपन जो है बहुत ही ऑसम था. ड्रैगन बॉल जी और ये सब एक बहुत सारी मीनवाइल गोकू हैविंग डाइड बैटल अगेंस्ट रेंज स्टूड अलोंग द नामिट एंट्रेंस ऑफ द अदर वर्ल्ड. हो गए तो हम लोग यमलोक पे पहुंच गए हैं. क्लोज्ड ओपन. कामी ने सब बता दिया. किंग यामा एंड कामी. कामी के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो आपको ड्रैगन बॉल सीरीज देखना पड़ेगा. जी वाला नहीं, जब गोकू छोटा रहता है वो तब वाला, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कामी बनता है वो सब. I humbly ask that you allow him to meet with King Kai. King Kai, I see. So you intend to take this heaven-bound soul and subject him to the grueling 625,000-mile-long snake way so he can meet King Kai. Oh my god, 625,000 miles. मतलब ये समझ लो 10,000, सॉरी कितना 10,00,000 किलोमीटर जो है उसको स्नेक वे इतना बड़ा है और उसमें किंग काई से मिलने के लिए गोकू को जाना पड़ेगा उसमें. Very well. If you wish to see King Kai, then I suggest you be on your way. However, I should warn you that no one has ever made it successfully, other than myself, of course, in over 100 million years. Must be one heck of a journey. Better get started. By the way, did a guy named Raditz come through here? Yes, we've got him marked down for hell, of course. Did he put up much of a fight? He sure did. He definitely didn't go quietly, but I sorted him out. Whoa! You must be one heck of a strong guy. गोकू को हर किसी से कन्वर्सेशन में यही पूछता है कि तू स्ट्रांग है, लग रहा है तेरे से लड़ाई करूं क्या? I am the great King Yama. I occupy a position above that of the Earth's guardian. Do you know what that means? That means you're crazy strong, right? You don't seem to understand what I'm saying. Of course I'm strong. But it's not just my strength that serves me in this position. You need brains to do this kind of managerial. Hoshiyari maar raha hai King Yama. Mana what work? Managerial. To help you better understand my work, let's give you a little quiz. Actually kind of an Goku actually dekha jaye to bahut hi dumb hai. Well then, if that's going to be your attitude, then I guess you don't need to see King Kai. Nahi, blackmail kar raha King Yama. Okay, I'll take the quiz. Why didn't you say that from the beginning? Batata to tujhe samajh chhod gaya. Let's begin. I'll let you through if you answer all of my question correctly. Okay. Where was Raditz sent? Obviously hell pe bheja use.
Nice. That's right. Do our question. He made a mess of enough planets to earn himself a place in hell. In fact, he's one of the biggest pains we've ever had to deal with. Right. Next question. Hmm. Who is more powerful? Kami bol do kya uski jal jayegi. bol ke dekho kya Kami? Nahi ab risk nahi leta. Correct. Of course I am. Kaun zyada powerful hai pooch raha tha by the way. I am much more powerful. Ah, chal chal. अभी गोकू के बारे में नहीं पता उसको. You are more powerful. Right. Next question. Third question. Who is judged here after death? Who is judged here after death? अच्छा किसको इसको जज किया जाता यहाँ पे? रेडिस तो बाहर का था तो everyone होना चाहिए इसका आंसर. हाँ. ओके भाई चलते रहे. 3 सवाल हो गया मुझे जाने दे. Okay. Next question. What? 3 question bola tha, ye chautha kyun pooch raha hai? Is there a way to bring back those who have already died? Yes. Not bad. That's correct. Those pesky Dragon Ball se hum log bula sakte hain obviously. I hate those things. It's like my job doesn't even matter. Who created those blasted balls anyway? Tharapappa. Care to shed some light on that, Kami? Gacha, isko pata hai ki Nobikians ne banaya hua hai. Ginyama, I... Whatever. Moving on. Abhe, 4 toh pooch chuka. Which question is this? Oh, bhai, 5wa question pooch rahi hai. Sorry, but that's incorrect. What? ये तो झूठ बोल रहा है. What? This is the 5th question, right? गोकू को पता है ये 5वां क्वेश्चन है करके. शाड़ा है अपना लौंडा. अच्छा इसको काउंट करना नहीं आता किंग यामा को लगता है. Just testing you. And you passed the test. Well, that was the true 5th question. Truth 5th question. कामी ने बेइज्जती कर दी कि ये हमेशा हर बार ऐसे ही मना करता है. Please forgive me, your highness. Boy, he's got one hell of a sense of hearing. You think you're some sort of funny man? पंगे मत ले भाई उससे. That's enough of all this. I will allow you to see King Kai. Wow, really? Thanks a bunch, Mr. Yama. Mr. Yama. Don't tell me you've forgotten who you're talking to. No, Mr. King Yama, I haven't. That's more like it. If you're going to see King Kai, then go. Well, this is where we part ways. Good luck, Goku. Thanks. I'm not really sure what to expect, but I'm pumped to meet this King Kai guy. किंग काई को भी पता नहीं है कि किंग काई क्यों बोलते हैं ऐसा करके. तो किंग यामा और कामी. किंग यामा का उसका 8 है और कामी का 7 है एक जगह पे. अब वो देखना पड़ेगा वो कहाँ पर है. तो सोल एम्ब्लम्स में कम्युनिटी में अच्छी बात है. इन लोगों को लगाएंगे अपन मस्त टाइप से. ओके आगे बढ़ो. तो स्टोरी जो है काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुकी है. Radish proves to be a warrior of dreadful power, but with sacrificial style by strike by Goku and Piccolo, he is defeated in the end. Unfortunately, the injuries Goku suffers from their gambit prove too much, and he perishes alongside Radish. Okay, Radish के साथ ही मर गया था गोकू. लड़ाई चली, ऐसा झगड़ा वगड़ा हुआ, वो सारी चीजें बताई गई है. ये क्या चल रहा है? No. अच्छा लेके आया Piccolo उसको. नज बसंती नज पैसा मिलेगा 5. पॉइंट ऑफ
बहुत इरिटेटिंग रहता है शुरू में गोहान जो है, सीरियसली बोलूं तो थारा नया पापा टाइम फॉर रियलिटी चेक योर डैडी इज डेड ओके आई एम योर न्यू डैडी सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू किल द मैन कॉल्ड मी डैडी डैडी पिको His friends are vigilant and able to find the Dragon Balls. They can bring him back. However, we've got other things to deal with. Though we were able to defeat Raditz, it sounds like we've got two of his buddies to worry about a year from now. If that's really the case, your father and I probably aren't going to be enough to take these guys down. Okay. We need power. Your power. You're going to have to learn to fight and defend the Earth. Nice. Gohan's crash course in survival. तो पिकोलो जो है ट्रेनिंग दे रहा है अभी गोहान को. Crash course. Man force. I'm no good at fighting. Quit your whining. Once I'm done whipping you into shape, you'll be tough enough for anything. Got it. So you're gonna train me? Okay. Gohan se bada to uska pooch hai. You have to live out here on your own, without distraction. I'm giving you 6 months. If you're able to survive for that long, I'll teach you how to fight. See ya. Piccolo ko na Gohan jo hai na Bear Grylls lag raha hai, jo survive kar jayega aise. उसके आंसू गिर भी नहीं रहे. ओह अच्छा हम लोगों को खेलना है इस तरीके से सर्वाइव करना है. क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है? घूमते जा बेटा. ओके चलो. ओ भाई ये तो स्लो चल रहा है एकदम. सर्च द फूड इन द सराउंडिंग एरिया. ओके हर्ब्स मिले मुझे. मुझे खाना चाहिए भाई. दौड़ता नहीं है क्या लड़का? ऐसा आलसी लड़का है भाई तू. ओ वहाँ तक ही जाना है अपने को. और कुछ है क्या इस ये इसके पास सेन सेंस नहीं है क्या? नहीं बेटा तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी एक दिन. विडेल नाम रहेगा उसका. यू आर नॉट अलोन. तो चाहे तो बुलमा को भी लाइन मार सकता है. Oh, shit. मुझे इसको देख के ना एकन की याद आ गई. एकन 22 लालची डायनासोर. Oh, shit. हाँ ये सीन हुआ रहता है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है क्लासिक में मतलब कि एनिमे में है क्या ये सीन क्या ऊपर पहुंच जाता है? हाँ शायद हुआ रहता है. यार ये सब देख के ना मुझे एक बार फिर से ना ड्रैगन बॉल देखने की फिर से इच्छा हो रही है. पूरे 272 एपिसोड जो है ना ड्रैगन बॉल जी का. लेकिन बहुत टाइम जाएगा उसमें. देखता हूँ टाइम मिलेगा तो सोते समय थोड़ा सा. The twerp. Didn't go and get himself killed already, did he? No, he didn't. Piccolo jo hai na ekdam baap ki tarah behave kar raha hai. Piccolo's special beam cannon super attack is now available. Thank you very very much. As you progress through the main story, you will gain access to new super attacks. Whether you have acquired them through the story or from a training ground location, you will need to set them up in your super. Acha. If the little brat dies here, then that's all he'd ever amount to. ओके गाइस तो ड्रैगन बॉल जी में हम लोगों ने रेडिस को हरा तो दिया है. अभी हमें तैयारी करनी है दो जो सीन आ रहे हैं वेजिटा और नापा. वेजिटा वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर इन दिस ड्रैगन बॉल जी. तो उनके लिए तैयारी करनी है. और ये ओपन वर्ल्ड है तो काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंजेस. ओ यहाँ पे क्या है? मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया. ओ शिट रुक. ओ मेडल. तो इस ट्री में भी कुछ होगा शायद ऊपर की तरफ. मुझे देखना पड़ेगा. ओके ओ R1 से अपन वो कर सकते हैं.
तो देख रहा हो इस ओ यहाँ पे है कुछ कार्बन से ऊपर नीचे ओके उतरने देगा। तो यहाँ पे डी मेडल्स जो है फ्री में मिल जाते हैं। डी मेडल से आप ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ओके ट्रेनिंग ग्राउंड से और एग भी मिला हमें। तो एनीवेज गाइस मुझे ये एपिसोड जो है यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहिए और मुझे पता था पिछला एपिसोड जो है काफ़ी लंबा है करके और काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं ढंग से, तो मैं छोटे एपिसोड्स बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो गया और स्टोरी कम हो गई तो वो सारी चीज़ें मुझे बैलेंस करनी है इस उसमें, और मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से बैलेंस करनी है, बट मैं ट्राई करूँगा अपने तरीके से। एडिटिंग में नहीं जाना चाहता क्योंकि एडिटिंग करते समय मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। एनीवेज गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए और भी एपिसोड्स जो है वो बनाते रहूँ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।